अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोसेस एंड सीपीयू मैनेजमेंट का हमारा ऑलरेडी लेक्चर ऑन गोइंग है, उसका ये पार्ट टू है ये वीडियो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे प्रोसेस कैजुअलिंग। प्रोसेस कैजुअलिंग जो है वो एक टेक्निक है जब आपके रिसोर्सेज कंप्यूटर के जो है लिमिटेड होते हैं और प्रोसेसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और वो कम्पीट कर रहे होते हैं रिसोर्सेज के लिए। मीनिंग टू से एक सिंगल प्रोसेसर है वो मोर देन वन प्रोसेसेस को एट अ टाइम जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। मैनी प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं कि उन्हें सीपीयू एलोकेट हो। तो रिसोर्सेज से मुराद ये है कि सीपीयू की एलोकेशन या डिफरेंट जो है डिवाइसेस उनकी एलोकेशन और डिफरेंट प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं। प्रोसेस मैनेजर हैंडल करता है प्रोसेसेस की रिमूवल को एंड एलोकेशन। यानी प्रोसेस मैनेजर जो है वो सीपीयू एलोकेट करता है किसी एक प्रोसेस को और दूसरे को जो है वहाँ से रिमूव करता है बेस्ड ऑन पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। यानी कि वो किसी एल्गोरिदम या किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए किसी एक को सीपीयू असाइन करता है एंड दूसरे प्रोसेस को रिमूव करता है। बेसिकली ये कंसेप्ट जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग का है जिसमें मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम फील ऐसे होता है कि रन हो रहते हैं बिकॉज ड्यू टू टाइम शेयरिंग सिस्टम। बिकॉज जो सीपीयू है वो फ्रीक्वेंटली बिटवीन द जॉब जो है स्विच करता है तो यूज़र को फील नहीं होता कि एट अ टाइम जो है वो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। उसको यही लगता है कि सारे प्रोसेस जो है एट अ सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो सीपीयू क्या करता है, जब सिंगल प्रोसेसर होता है और प्रोसेसेस ज़्यादा होते हैं तो प्रोसेस को स्केजुअल करता है। तो हम इसके लिए जो है वो डिफरेंट क्यूज होती है, यानी कि जो सीपीयू है वो प्रोसेस या जॉब्स को डिफरेंट क्यूज में वेटिंग के लिए रखता है। ठीक है, तो हम देखते हैं स्केजुलिंग क्यूज क्या हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स ऑल पीसीबीज इन प्रोसेस स्केजुलिंग क्यूज। पीसीबी यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पीसीबी में जो इंफॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग स्केजुलिंग क्यू में डिफरेंट प्रोसेस को मेंटेन करता है। ओएस मेंटेन अ सेपरेट क्यू फॉर ईच ऑफ द प्रोसेस स्टेट्स एंड पीसीबीज ऑफ ऑल द प्रोसेस इन द सेम एग्जीक्यूशन स्टेट आर प्लेस्ड इन द सेम क्यू। प्रोसेस स्टेट का कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी हमने कवर किया। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सेम स्टेट में जो प्रोसेस होता है उसको सेम क्यू में रखता है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एक प्रोसेस डिफरेंट स्टेट से गुजरता है, तो सेम स्टेट वाले प्रोसेस जो होते हैं वो सेम क्यू में होते हैं। स्केजुलिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्यूज को मेंटेन करता है। मोस्ट कॉमन है जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड वेटिंग क्यू। जो जॉब क्यू है इसमें वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि अभी हमारे सिस्टम में हैं और वेट कर रहे हैं एलोकेशन फॉर द मेन मेमोरी। यानी इनको भी मेन मेमोरी असाइन नहीं हुई, वो अभी किसी सेकेंडरी डिवाइस में ही हैं। और रेडी क्यू में वो प्रोसेसेस होते हैं जिनको मेन मेमोरी जो है हो गई है एलोकेट, अभी वो सीपीयू की एलोकेशन का वेट कर रहे हैं। एंड थर्ड क्यू वेटिंग क्यू में वो प्रोसेस होते हैं जो कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन किसी वेटिंग स्टेट में आ जाते हैं ड्यू टू सम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। यानी कि ड्यूरिंग कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनमें यूजर से इनपुट रिक्वायर्ड होती है तो वो वेटिंग क्यू में होते हैं। तो डिफरेंट क्यू में जो माइग्रेशन है वो किस तरह से होती है, सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो जॉब क्यू में होता है। जॉब क्यू से जो है वो रेडी क्यू में लोड होता है। रेडी क्यू में लोड होने के बाद उसको सीपीयू एलोकेट किया जाता है। जब सीपीयू एलोकेट जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो वो प्रोसेस टर्मिनेट या एंड कर जाता है। बट ड्यूरिंग रनिंग टाइम उसको सम टाइम प्रोसेस जो है वो इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट होती है उसकी, तो वो अगर तो जो है यूजर बिजी है फॉर इनपुट जो है रिक्वेस्ट नहीं उसको कर रहा टैकल तो वेटिंग क्यू में होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इनपुट आउटपुट दोबारा रेडी क्यू में आ जाता है। तो इस तरह से प्रोसेस की माइग्रेशन होती है बिटवीन वेरियस क्यूज। सम टाइम जो प्रोसेस है आपका वो सीपीयू से डायरेक्ट रेडी क्यू में भी आ जाता है बिकॉज कुछ प्रोसेस अगर हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस या जॉब आ जाती है तो जो रनिंग वाली जॉब होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है सीपीयू से और हाई प्रायोरिटी वाली जॉब को सीपीयू एलोकेट कर दिया जाता है। इस सब को हैंडल करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट पॉलिसीज को यूज़ करता है जिसे हम नेक्स्ट सीपीयू स्केजुलिंग में डिस्कस करेंगे। जॉब्स को मूव करवाना बिटवीन डिफरेंट क्यूज, ये भी इसके लिए जो है एक अलग प्रोसेस एक जो कंपोनेंट कह लेंगे प्रोग्राम है जिसको स्केजुलर कहते हैं। स्केजुलर क्या है, स्केजुलर्स आर स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर विच हैंडल प्रोसेस स्केजुलिंग इन वेरियस वेज। यानी स्केजुलिंग को जो परफॉर्म करता है वो स्केजुलर होते हैं बाय फॉलोइंग स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स।
मेन टास्क उसका ये होता है कि एक जॉब को सिलेक्ट करना और उसे सबमिट करना, कि उसे जो है सीपीयू को एलोकेट करना है, उसे जो है वेटिंग स्टेट में होना है, उसे स्वैप करना है, ये सारा काम स्केड्यूलर करते हैं। डिफरेंट टाइप के स्केड्यूलर होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप थ्री टाइप्स हैं, यानी लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है, शॉर्ट टर्म है एंड मीडियम टर्म है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का क्या टास्क है, वो क्या ड्यूटी परफॉर्म करता है। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, जिसको जॉब स्केड्यूलर भी कहते हैं, ये जॉब्स को लोड करता है जॉब्स क्यू टू रेडी क्यू, यानी कि जो अभी जॉब क्यू में है, मेन मेमोरी उनको असाइन नहीं हुई, उन्हें रेडी क्यू में लोड कर देता है। कंट्रोल करता है नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द मेमोरी, आल्सो नोन एज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि ये कंट्रोल करता है नंबर ऑफ प्रोसेसेस को? सबसे पहले तो इस बात को जरूर ज़हन-नशीन करें कि जब भी कोई जॉब रेडी क्यू में इंटर हो जाती है तो वो प्रोसेस बन जाती है। जॉब क्यू तक वो जॉब होती है और उसके बाद जब वो रेडी क्यू में होती है तो वो प्रोसेस बन जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि कंट्रोल करता है नंबर ऑफ प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि अगर स्केड्यूलर टू मैनी जॉब्स को मेन मेमोरी में लोड कर देगा तो इससे सीपीयू की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, और अगर कम करेगा तो इसका मतलब है जो सिस्टम है वो इफिशेंटली यूज़ नहीं हो रहा या उसको यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर ये ड्यूटीज परफॉर्म करता है। बेसिकली ये क्या करता है, जॉब क्यू से रेडी क्यू के दरमियान लाई करता है और जॉब्स को लोड करता है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, जिसको सीपीयू स्केड्यूलर भी कहते हैं। ये बहुत तेज़ी से या स्पीडली वर्कआउट करता है, क्योंकि जॉब्स इन्वॉक वेरी फ्रीक्वेंटली एंड मस्ट बी फास्ट, क्योंकि इसने रेडी क्यू से जॉब्स को सीपीयू एलोकेट करना होता है और फिर सीपीयू से रिमूव भी करनी होती है। तो बिटवीन रेडी क्यू एंड सीपीयू जो है वो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर सारी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है, क्योंकि किसी भी जॉब को सीपीयू जो है ना वो बहुत थोड़े टाइम मिली सेकेंड्स में जो है वो एलोकेट होता है। इन अ टाइम ट्रेनिंग सिस्टम, जब एक टाइम स्लाइस जो है वो डिवाइड होता है बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस, तो ऐसे लग रहा होता है कि आपकी सारी जॉब जो है ना वो एट अ सेम टाइम रन हो रही होती हैं। तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का काम यही है कि सीपीयू एलोकेट करना एंड देन थोड़ी देर बाद उसको फिर रेडी क्यू में, तो कुछ सेकेंड्स नैनो सेकेंड्स में ये जो है वो वर्क कर रहा होता है, इसलिए ये बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट है मीडियम टर्म स्केड्यूलर, जो कि स्वैपिंग परफॉर्म करता है, यानी कि डिफरेंट क्यूज है जो प्रोसेस एक दूसरी क्यू में स्वैप करना है, नया प्रोसेस लोड करना है, ये सारा काम जो है मीडियम टर्म रिमूव करते हैं प्रोसेस को टेम्परेरीली फ्रॉम मेन मेमरी एंड प्लेस देम ऑन सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि वो प्रोसेस जो कि मेन मेमरी में या तो वो ज़्यादा साइज के हैं, ठीक है, या वो काफ़ी देर से एक्टिव नहीं है, तो उनको क्या करता है दोबारा सेकेंडरी स्टोरेज में भेज देता है, और जब उनकी ज़रूरत होती है तो उन्हें दोबारा सेकेंडरी स्टोरेज से रेडी क्यू में या मेन मेमोरी में दोबारा ले आता है। स्वैप आउट अ प्रोसेस विच इज़ नॉट एक्टिव फॉर सम टाइम और इट हैज़ अ लो प्रियोरिटी और टेकिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, यानी कि ये सारे रीजन की वजह से स्वैप कर देते हैं, देन स्वैप इट लेटर वेन मेमरी इज अवेलेबल, लेकिन बाद में अगर मेमरी अवेलेबल हो तो उसको दोबारा स्वैप करके मेन मेमरी में ले आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। प्रोसेस मैनेजमेंट में कॉन्टेक्स्ट स्विच किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर एंड सेविंग द स्टेट ऑफ करंट प्रोसेस, यानी सीपीयू एक प्रोसेस को रन कर रहा है, उसे रिमूव करके उसकी स्टेट को, स्टेट कहाँ होगी उसकी पीसीबी में, यानी उसकी इंफॉर्मेशन कि इतना होगा, लाइक आपका ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है, सीपीयू ने इसको इतना एग्जीक्यूट किया एंड देन यू हैव वन हाई प्रायोरिटी जॉब आ गई, ठीक है। तो अब सीपीयू इसको जो है लीव कर रहा है, तो सीपीयू को ये पॉइंट याद रखना है कि मैंने कितना प्रोसेस जो है वो रन कर लिया था और रिमेनिंग कितना, तो यानी कि उसकी स्टेट को सेव करना करंट प्रोसेस की और नया जो स्विच करना, तो इसको हम कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विच इज द मैकेनिज्म टू स्टोर एंड रीस्टोर द स्टेट और कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सीपीयू इन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी पीसीबी, सो दैट अ प्रोसेस एग्जीक्यूशन कैन बी रिज्यूम फ्रॉम द सेम पॉइंट लेटर। तो ये इसकी एग्जाम्पल है, जब स्केड्यूलर जो है वो स्विच करता है जॉब्स को, the CPU from executing one process to execute another, the state from the current running process is stored into the PCB, यानी ये देखें ये CPU execute कर रहा है, process one जो है उसने leave किया तो save होगी उसकी P1 state in PCB, अब process two जो है CPU उसको allocate कर दिया गया है तो उसकी जो जहाँ तक वो पहले already अगर हो चुका था तो उसकी state को restore किया कि यहाँ तक वो already हो चुका था।
अब देन प्रोसेस टू जो है वो लीव कर रहा है तो उसकी सेव करना स्टेट को, देन प्रोसेस वन को अगेन सीपीयू असाइन हुआ है तो उसकी रीस्टोर करना पी वन स्टेट को, तो ये सारा काम जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विच है। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रोसेस मैनेजमेंट के जो मेन टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक्स रह गए हैं वो। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।